अच्छा चिट्ठा में आज बात व्लादिमीर पुतिन के उस जनरल की जो अचानक लौट आया है। इस जनरल ने टेलीविजन पर साफ साफ कहा कि रूस को अब यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। यूक्रेन ने एक रात में रूस के साथ ठिकानों को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की इस वक्त रूस में जहां चाहे घुसकर हमले कर रहे हैं, एयरबेस, नेवल बेस, कर्च ब्रिज, क्रेमलिन। ज़ेलेंस्की ने रूस को रुला दिया है और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। Zaporizhia, Kharkiv, Kherson, Robotyne. Donetsk, यूक्रेन के इन सात जगहों को लॉक कर दिया गया है। रूस के सीने को छलनी करने वाले यूक्रेन के ड्रोनों का जवाब क्या पुतिन परमाणु बम से देंगे? यूक्रेन पर गिरेगा परमाणु बम। ये सवाल इसलिए कि पूरी दुनिया इस वक्त क्रेमलिन की ओर देख रही है। ज़ेलेंस्की ने रूस के भीतर महायुद्ध में अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। रूस बौखला गया है। पुतिन मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। रूस के चैनलों पर पुतिन का करीबी जनरल ऐलान कर रहा है कि अब बस। रूस का जनरल बोला यूक्रेन पर गिरा दो परमाणु बम। पुतिन की क्या प्रतिक्रिया आई? परमाणु बम से होगा महायुद्ध का अंत? भयावह युद्ध छिड़ा है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले रूस को इतना दर्द दे रहे हैं कि अब रूस की आर्मी में यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की चर्चा हो रही है। ज़ेलेंस्की के मंसूबे आसमान पर हैं। एक रात में ही रूस के सात शहरों पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। नतीजा देखिए, धू धू कर जल उठे रूस के एयरपोर्ट पर तीन परिवहन विमान। रूस के तीन विमान नष्ट। रूस की मीडिया ने रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय का हवाला देते हुए खबर दी थी कि पस्को हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले के दौरान IL-76 परिवहन विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। हवाई अड्डे की वेबसाइट के मुताबिक ड्रोन हमले के समय रूस की 334वीं सैन्य परिवहन विमानन रेजिमेंट हवाई अड्डे पर तैनात थी। क्राइमिया टू क्रेमलिन, ज़ेलेंस्की जहां चाहें रूस को उसे घर में घुसकर मार रहे हैं। अमेरिका की रूस पर हमले को सपोर्ट नहीं करने वाली बातों के बीच रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने क्या कहा, सुनिए। यूक्रेन पश्चिम से प्राप्त उपग्रह डेटा के बिना रूसी क्षेत्र के अंदर लक्ष्य को हिट करने में सक्षम नहीं होता। दो बातें अब तक साफ हुई। पहली, पुतिन के पास ज़ेलेंस्की का आखिरी उपाय परमाणु बम का सामना ही रह गया है।
दूसरी, नाटो बिना परमाणु हमले के सिर्फ धमकियों से नहीं डरने वाला, लिहाजा कहा जा रहा है कि सारी कार्यवाहियों का एक ही अंजाम दिख रहा है, पुतिन का परमाणु बम गिरा देना। पुतिन के बहुत खास दिमित्री मेदवेदेव कम से कम 5 बार परमाणु बम गिराने की धमकी दे चुके हैं। पुतिन परमाणु हमले की धमकी अमेरिका तक को दे चुके हैं। ऐसे में 3 सवाल बहुत ही साधारण तौर पर पूछे जा रहे हैं। क्या जिसका डर था वो दिन आखिर आ ही गया? क्या महायुद्ध का सबसे बड़ा फैसला हो गया है? ज़ेलेंस्की के ड्रोनों से रूस की बर्बादी का कारण बनेगा परमाणु युद्ध? इन 3 सवालों का जवाब पुतिन के न्यूक्लियर प्लान के एक्शन प्लान वाले चैप्टर पर लिखा है, जो बहुत सीक्रेट है। इस बीच पुतिन के जनरल ने ज़ेलेंस्की को सीधी धमकी दी है, परमाणु बम गिराने की धमकी। इसे कीव को क्रेमलिन की ओर से डायरेक्ट मैसेज माना जा रहा है। बहुत दिलचस्प है टीवी पर पुतिन के जनरल और एंकर के बीच की बातचीत, जिसमें पुतिन को परमाणु बम गिराने की सलाह दी जा रही है। परमाणु बम गिरा देना चाहिए, इसके लिए रोबोटाइन गांव ठीक रहेगा। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिराने के लिए ठीक है, एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक। इससे हमारी सेना की जान बचेगी। ये बातचीत रूस के भीतर चल रहे यूक्रेन के प्रति सरकार की सोच को बता रही है। जिस तरह ज़ेलेंस्की धुआंधार हमले कर रहे हैं, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहा है, और अब जिस तरह से एयरपोर्ट को ज़ेलेंस्की के ड्रोन जला दे रहे हैं, पुतिन के पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। पुतिन हाइपरसोनिक मिसाइल चला चुके हैं, पुतिन एक रात में 100-100 हमले तक करके देख चुके हैं, कीव का घेरा डालकर भी देख चुके हैं, और परमाणु बम गिरा देने की धमकी भी दे चुके हैं। लिहाजा अब एक्शन ही बाकी है। सवाल वही कि क्या पुतिन अब गिरा देंगे यूक्रेन पर परमाणु बम? परमाणु बम गिराने का इतिहास रहा है कि जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, तो बदले में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए, जिससे तबाह जमीन, जंगल और इंसान तो अब तक हो रहा है। मतलब जापान ने उकसाया, आज की तारीख में ठीक यही काम ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। ग्यारह हफ्ते की खूनी जंग के बाद यूक्रेन ने रोबोटाइन गांव पर फिर से कब्जा कर लिया है। रोबोटाइन सामरिक रूप से बहुत अहम जगह है। रोबोटाइन जमीनी तौर पर क्राइमिया को डोनेस्क के जोड़ता है। पुतिन युद्ध में फंसे हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से नुकसान सिर्फ रूस के जानमाल का नहीं हो रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुतिन की साख कमजोर पड़ रही है। पूरे रूस को किले सा अभेद बताने वाले देश ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले से लहूलुहान हो रहा है, और पुतिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बेबसी में क्या पुतिन के पास ब्रह्मास्त्र के तौर पर परमाणु बम को गिराने का ही विकल्प बच जाता है? इस सवाल का जवाब इसकी डिटेल में दिखाएंगे। उसके पहले यूक्रेन का दर्द भी जान लीजिए। यूक्रेन की आर्मी के मुताबिक उसके 6 लोग मारे गए हैं। बखमूत में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले से रूस के यूक्रेन पर हमले की तादाद कम नहीं हो जाती। पुतिन की सेना यूक्रेन में ही कमजोर नहीं दिख रही है, बल्कि रूस को हमले से बचाने वाली एजेंसियां भी फेल हो रही हैं। लिहाजा ये सवाल तो तभी से खड़े हो रहे हैं कि पुतिन की परमाणु बम गिराने की धमकियों में अगर सच्चाई है, तो वो इसका इस्तेमाल कभी ना कभी जरूर कर सकते हैं। रूस के जनरल ने परमाणु बम गिराने की ताजा धमकी देकर इसे फिर से सुलगा दिया है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन अब गिरा देंगे यूक्रेन पर परमाणु बम? इससे पहले फरवरी 2023 यानी युद्ध के 1 साल पूरा होने के वक्त पुतिन के सुरक्षा गार्ड न्यूक्लियर बटन वाले ब्रीफकेस लेकर चलते देखे थे, और अब उसी की चर्चा फिर से हो रही है कि यूक्रेन ने जंग में हालात वहां तक पहुंचा दिए हैं कि परमाणु युद्ध किसी भी वक्त भड़क सकता है। हालांकि परमाणु युद्ध भड़कने की सूरत में दुनिया कितने घंटों तक जी पाएगी, इसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। अभी पुतिन के उस ब्रीफकेस की डिटेल जो पुतिन के सुरक्षा गार्ड ने उनके साथ रखना शुरू कर दिया है। पुतिन के सुरक्षा चक्र में ऐसा माना जाता है कि 2 में से 1 ब्रीफकेस फोल्ड अप शील्ड है, जो गोलीबारी से पुतिन को बचाने के लिए है, जबकि दूसरा रूस के न्यूक्लियर बम का बटन हो सकता है। इस न्यूक्लियर बैग में पर्सनलाइज कोड होता है, ये हर समय रूस के परमाणु बम को कंट्रोल कर सकता है। इसकी देखरेख एक सशस्त्र सुरक्षा अधिकारी करते हैं, जो पुतिन के साथ हर जगह जाते हैं।
पुतिन कहीं से भी परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं। बेलारूस में पुतिन ने अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन पहले से तैयार कर रखे हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा। बेलारूस को रूस से न्यूक्लियर मिसाइलें और बम मिले हैं। ये बम 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। पुतिन ने यूक्रेन में आक्रमण के लिए बेलारूस को ही लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया था। लिहाजा कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन पर पुतिन परमाणु बम गिराते हैं तो वो बेलारूस से ही लॉन्च होगा। इसकी प्लानिंग के सबूत पुतिन की बेलारूस पॉलिसी में दिखती है। पुतिन ने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन बेलारूस भेजने से पहले वहां रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया, उसके बाद इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को इंस्टॉल किया।